नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देवों के देव महादेव जी ने दे दिया फूल आदेश, तीनों लोकों में हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कभी नहीं हुआ था वो अगले इन 8 दिनों के अंदर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 8 दिनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों 33 कोटि देवी देवता आपके साथ खड़े हैं। आखिर वो आपके साथ क्यों खड़े हैं, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप वो कौन से पुण्य के कर्म किए हैं जो कि यह 33 कोटि देवी देवता आपके साथ खड़े हैं। यह आज के इस वीडियो में हम पाप और पुण्य दोनों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की यह संपूर्ण वीडियो नक्षत्रों के चाल के आधार पर निर्मित किया गया है। आने वाले अगले 8 दिन व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए व अन्य सभी स्तरों के लिए यह समय कैसा रहेगा, अगले 8 दिन तक किन गलतियों से आपको बचकर रहना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, ये सारी बातें हमने वीडियो के अंदर बताया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, वीडियो में हमने उपाय भी बताए हैं जो कि यह उपाय करके आप अपने किस्मत को हीरे की तरह चमका सकते हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी लिखेगा कालों के काल जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त पे काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, यकीन रखो ईश्वर पर, आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा। दोस्तों, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 8 दिन 33 कोटि देवी देवता आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आप कोई भी गलत काम ना करें और ना ही गलत रास्तों पर चलें, क्योंकि ये समय थोड़ी सी खुशियां आपको लालच देगी, लेकिन आपको उन सभी से बचकर रहना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो 33 कोटि देवी देवता आपके साथ जो है नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ छोड़ सकते हैं। जी हाँ, इस समय अगर आपके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आता है तो आप इनकार ना करें और ना ही अभद्र भाषा का प्रयोग करें। अगर हो सके तो आप उनका मदद करें और ना हो सके तो आप उन्हें अच्छी सलाह देकर, सीख देकर भेज सकते हैं। इससे सभी 33 कोटि देवी देवता आपके साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर सावधानी को लेकर बात करें तो इस समय भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें और कोई भी चीज़ों में समझौता ना करें। जी हाँ, क्योंकि इससे आपके कई बनते काम बिगड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि इस समय किसी रिश्तेदार के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उनका समाधान भी मिलेगा। संपत्ति से संबंधित जुड़ा कोई काम फायदेमंद रहेगा, लेकिन अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें और ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपका सहयोग करेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यर्थ ना करें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको
दूसरों की जो है अजनबी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेगी जो कि फायदेमंद साबित होगी। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र से कार्यरत लोगों को अपनी इस समय बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। सरकारी सेवारत लोग इस समय अपने काम पर ही ध्यान रखें और इस समय कागजात या फाइलों को संभाल कर रखें, क्योंकि किसी प्रकार की जांच पड़ताल इंक्वायरी होने की संभावनाएं बन रही है। संतान के कैरियर व शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत मिलेगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास अपने कर्म रखना होगा तो ये आपके हितकारी रहेगा और अपनी भावुकता और भय जैसी कमजोरी पर विजय हासिल करना जरूरी है। यह स्वभाव आपके स्वास्थ्य व कार्यों में हानि का कारण भी बन सकता है। अध्ययन विद्यार्थी जो है आलस्य की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए आपको आलस नहीं दिखाना है। व्यापार में विस्तार संबंधित योजनाएं बनेगी और जल्द ही उन्हें क्रियान्वयन करने का भी जो है अवसर मिलेगा। इस समय कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप निवेश करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा आपको रुकना होगा और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद निवेश करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने संपर्क क्षेत्रों को और अधिक विस्तृत करें तो ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होंगी और आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य होना उचित नहीं है। कोई भी पुरानी समस्या अथवा वाद विवाद दोबारा उठ सकता है, परंतु आपसी वार्तालाप से समाधान भी मिल जाएंगे। और किसी भी गैर कानूनी में कार्य में दिलचस्पी ना लें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में कुछ परेशानियां आएंगी, हो सकता है कि वो दिक्कत आने पर आपको अपने वसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना पड़े। स्टाफ की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें, हर काम में योगदान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, कोई रुका हुआ जो है आय का स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। जरूरतमंद तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल करने में भी आपकी विशेष रुचि है और विवाह योग्य सदस्य के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। और इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, इसलिए अभी आप यात्रा स्थगित ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में आए किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में भी उलझना अभी आपके ठीक नहीं है। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, उलझाने में लगे रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा, इससे माहौल नकारात्मक हो जाएगा। साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा तो आपके लिए बेहतर है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो व्यवसाय में कोई भी रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई है। अपनी योग्यताओं और किसी के समक्ष उजागर ना करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। ऑफिशियल फाइलें व्यवस्थित रखें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं दूसरों के मामलों में, इसलिए आपको अभी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरों की ही गलती के कारण आपको जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि परेशानियां आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें तो ये समय आपके लिए थोड़ा उत्तम रहेगा।